नमस्कार, मेंटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी ठाकुर। विकासखंड सुल्तानगंज के गांव चिटोआ में एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, जहां जीने का लेंटर खुलने के 6 घंटे बाद ही अचानक से लेंटर गिर गया, जिसमें दबकर एक महिला की मौत हो गई। वहीं परिवारजनों का आरोप है कि सीमेंट सही नहीं था। देखिए हमारे संवाददाता विवेक कुमार की रिपोर्ट। विकासखंड सुल्तानगंज के गाँव चिटोआ निवासी हाकिम सिंह पुत्र जयवाला प्रसाद के गांव के एक मकान बनवाया है, जिस पर 17 दिन पहले लेंटर डाला गया था। लेंटर को गुरुवार को खोला गया। शाम लगभग 3 बजे अनीता देवी पत्नी अशोक कुमार नीचे लेंटर से मलबा हटा रही थी, तभी जीने का लेंटर भरवाकर महिला के ऊपर गिर गया। आनंद फानंद में परिवारजनों ने महिला को मलबे से निकाल कर जिला अस्पताल ले गई। वहाँ डॉक्टरों ने घायल महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर उप जिलाधिकारी भोगांव को दी गई। सूचना मिलते ही थाने से SI भूरी सिंह मौके पर पहुंचे। मृतका के परिवारजनों ने सबका पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। आपका अशोक कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? चिटोआ। ये क्या कैसी घटना हो गई? ये लेंटर सवेरे जीना खुल रहा था, करीब खुला 12 बजे लगभग, और 3 बजे के टाइम हमारी पत्नी इसके नीचे सींटे हटा रही थी और जीना गिर गया। अच्छा, अचानक। तो अपना लेंटर खुला 17 मई में, 17 दिन बाद। हाँ, क्या था अपने? मसाला लगा था 3-1 का मसाला लगाया था। तो इसमें क्या सीमेंट में कमी निकली, क्या मालूम पड़ रहा है आपको? सीमेंट में कमी। पत्नी का क्या नाम है आपका? अनीता देवी। कितनी उम्र होगी? 40 साल। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? तीन बच्चे। ये सीमेंट मटेरियल कहाँ से लेके आए थे? ये बंटी यहाँ से, सिमरई से ले गए। आपने उनको सूचना दी क्या? हाँ दी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बाहर आए